वेलकम फ्रेंड्स टू द कैमरा डॉट कॉम चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बातें करने वाले हैं कि द बेस्ट कैमराज इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जिन्हें आप बेझिझक होकर परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ कुछ एक कैमरा जो मेरे रिकमेंडेशन लिस्ट में नहीं आते हैं, उनके बारे में भी आपको पता चलेगा इस गाइड में। एंड ऑफकोर्स प्रॉबेबली वन और टू या मे बी थ्री कैमरे की अनाउंसमेंट अब बस होने वाली है 2 से 3 महीनों में, उनके बारे में भी जिक्र करेंगे कि आप अगर थोड़ा वेट कर सकते हो तो वेट करके देख लो। सो चलो गाइड की शुरुआत करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आप नए हो हमारे चैनल में, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूल जाना ना। चलो मूव करते हैं कंटेंट की तरफ मूव करते हैं और अंडर 1 लाख के गाइड की बातें करें। अंडर 1 लाख के अंदर कौन कौन से बेस्ट कैमरेज हैं जो अप्रैल मंथ में आप परचेस कर सकते हो। तो पहले कंटेंट क्रिएटर वीडियोग्राफर्स की बात कर ले। देखो ZV-10 की बातें करें तो इवन दो आई एम रिकॉर्डिंग मैक्सिमम वीडियोज है ZV-10 प्लस सिग्मा की 16mm f/1.4 लेंस से रिकॉर्ड करता हूँ। सो इट्स एन अमेजिंग कैमरा। बट द थिंग इज कि ZV-10 Mark II कैमरे की रूमर्स चल रही हैं। रूमर्स के अकॉर्डिंग अगर हम जाएँ तो मोस्ट प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ जून और मे बी ऑन अगस्त ये नया मॉडल अनाउंस हो सकता है। अनाउंसमेंट के लेट मी टेल यू एवरीथिंग वेरी क्लियरली कि ये नहीं कि कोई कैमरा अनाउंस होता है तो तुरंत मार्केट में आ जाता है। US में अनाउंस हुआ तो इंडिया के मार्केट में आने में कभी 2 महीने लगते हैं, कभी 3, कभी 4 महीने भी लग सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि US में डिमांड कितनी ज़्यादा है। तो ये समझ के रखो कि अभी अगर कल के डेट में भी अनाउंसमेंट होती है ZV-10 Mark II कैमरे की, तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 महीने वेट करने होंगे इंडिया में इसे आने के लिए, और तब आप इसे परचेस कर सकते हो। सो द थिंग इज दैट कि हाँ, र्यूमर्स चल रही हैं और अगर आप वेट कर सकते हो देन यू शुड वेट। ठीक है, टू बी वेरी क्लियर। नाउ क्या हम ZV-10 को 2024 के अप्रैल मंथ में परचेस कर सकते हैं? क्या कैमरा सही रहेगा? हम उतना वेट अगर नहीं कर पाए तो क्या कोई अल्टरनेटिव्स है? अगर आप उतना वेट नहीं कर सकते हो देन द बेस्ट ऑप्शन इज टू बाई ZV-10, क्योंकि ZV-10 की अपनी जो कोर स्पेसिफिकेशन है और जो प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है, इसका कोई भी डायरेक्ट कंपेटिटर नहीं है। वी हैव कैनन R50, वी हैव निकॉन Z30 कैमरा, बट जितने फीचर्स आपके ZV-10 के अंदर लाइक द प्रोडक्ट शोकेस मोड, फेस एक्सपोजर ट्रैकिंग प्रायोरिटी, जीरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन, हाई ग्रेड 3 कैप्सूल माइक्रोफोन टू रिकॉर्ड योर ऑडियो, तो ये सारी फीचर्स हो ना जाने क्या क्या, तो ये सारी जो फीचर्स है वो इस प्राइस रेंज के किसी भी कैमरे में देखने को नहीं मिलती। आई फॉरगॉट टू मेंशन कि आप इसी प्राइस रेंज के अंदर आप अपनी ऑडियो मॉनिटर भी कर सकते हो। यू हैव एन पोर्ट टू मॉनिटर योर ऑडियो। सो मोर और लेस यहां पर अगर हम देखें देन इट ये फीचर से लबरेज कैमरा। सो या इफ यू आर नॉट एबल टू वेट, यू कैन बाय द ZV-10। अगेन द सेकेंड ऑप्शन इज कैनन R50। मैंने इसे सेकेंड क्यों रखा, इट्स अ वेल नोन रीजन कि भैया इसकी लेंस माउंट लॉक्ड है, आपकी जो लेंसेस है वो आपने पहले सेलेक्ट करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह की मैं अभी कंटेंट बना रहा हूँ, तो आपने क्या करना है कि आपने 50mm की लेंस या 35mm की लेंस ले लेना है। अब 35mm की लेंस और 50mm की लेंस में कैनन की जो RF माउंट की लेंसेस है उसमें प्राइस में अच्छा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि जो 24, 35 और 85mm की लेंसेस से प्राइम्स, इसमें आपकी OIS भी है, माइक्रो कैपेबिलिटी, बट जो 16mm की लेंस और 50mm की प्राइम लेंस है इसमें OIS भी नहीं है, माइक्रो कैपेबिलिटी भी नहीं, तो इनकी प्राइस थोड़ी सी कमतर है कंपेयर टू द अदर प्राइम्स लाइक द 24, 35 एंड 85। तो यहाँ पर आपने ये समझना है कि आपका जो भी बजट है उस हिसाब से आपको अपने कैनन के अंदर लेंसेस खरीदनी पड़ेगी। हाँ, लेंसेस लिमिटेड है बट ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपका बजट अलाउ करता है, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है अवेलेबल सेट ऑफ लेंसेस से पूरी हो जाती, तो आप जरूर कैनन का R50 परचेस कर सकते हो। R50 में क्या लिमिटेशंस है? देखो ZV-10 वर्सेस कैनन R50 को लेकर मैंने एक बहुत अच्छी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है इस कंपैरिजन की, आप उसे देख सकते हो, आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएगी। इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि ऑफकोर्स देर आर लॉट ऑफ फीचर विच इज एबसेंट इन R50। अदर देन दैट, आपकी लॉग प्रोफाइल्स ओपन नहीं है। HDR PQ मोड में एक ऑप्शन हमें मिलती है कि हम 10 बिट में वीडियोज रिकॉर्ड करें अपने R50 के अंदर, बट अगेन इवन आप 10 बिट में रिकॉर्ड कर रहे हो देन यू हैव टू वर्क विथ प्रोफेशनल लाइट। अदरवाइज अगर आप अनकंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में R50 के साथ वीडियोज रिकॉर्ड करते हो, यू विल नॉट हैव दैट टेस्ट। ठीक है, तो आपने ये समझना है कि कैनन R50 को अच्छा परफॉर्म करने के लिए एक प्रॉपर लाइट की अरेंजमेंट आपको करनी पड़ेगी। सो R50 इज ऑल्सो वेरी गुड कैमरा इफ लेंसेस आर अवेलेबल टू यू। ठीक है, लेंसेस अगर आप अच्छे तरीके से सेलेक्ट कर पाओ, दूसरी कंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में काम करने की कोशिश करो। द थर्ड ऑप्शन इज निकॉन Z30, जिसे लाइट की जरूरत ही नहीं है। इतनी अच्छी 20 मेगापिक्सल की लो लाइट सेंसर इसमें लगी हुई है दैट
इट रिकॉर्ड्स द वीडियोज वेरी वेल। नाउ इसमें कोई लेंस की लिमिटेशन भी नहीं भैया, इसकी तो लेंस माउंट ओपन है जेड माउंट की, तो मैंने क्यों इसे थर्ड नंबर पे रखा। देखो बात यह है कि इस पे 4K की जो आप रिकॉर्डिंग करते हो Z30 की, इसमें 30 मिनट में रिकॉर्डिंग एक लिमिट आती है, उस जैसे हमारे थोड़े से पुराने ओल्ड ट्रेडिशनल कैमरों में आती थी, और उसके बाद आपने फिर से कैमरा स्टार्ट करना पड़ता है। तो बस Z30 में ये एक इश्यू है जिसके चलते मैं इसे थर्ड नंबर पे रखता हूँ, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं मैं इसे सेकंड पे शिफ्ट कर देता। क्योंकि देखो ये कैमरा अपने आप में बहुत ही अच्छा कैमरा है, बहुत ही अच्छी तरीके से लो लाइट कैप्चर करता है। अब तो भैया सिग्मा की भी ट्रैवल लेंसेस अवेलेबल हो चुकी है जेड माउंट के लिए, तो आप चाहे जो लेंसेस परचेस कर सकते हो। अगेन द ओनली लिमिटेशन इज़ द 30 मिनट। 30 मिनट के बाद आपने फिर से अगर रिकॉर्डिंग शुरू करनी होगी 4K की। फुल HD में ऐसे कोई भी रिकॉर्डिंग लिमिट नहीं। सो इफ़ दिस रिकॉर्डिंग लिमिट बॉदर्स यू, देन यू हैव द अदर टू ऑप्शन। अगर ये रिकॉर्डिंग लिमिट, ऑफकोर्स आपकी वीडियोस अगर हार्डली 15 मिनट की होती, 20 मिनट की होती, 25 मिनट की होती, या आप रिकॉर्ड करते करते भैया 30 मिनट पार किए, फिर ऑन कर लिए, फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिए, तो अगर ऐसा सिनेरियो है तब आप आराम से Z30 परचेस कर सकते हो। तो ये हो गए कंटेंट क्रिएटर्स की बात। अब हम बात करते हैं फोटोग्राफर्स की। Z50 एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इवन इन 2024, बट ऐसी बातें चल रही है कि Z50 की अपडेट आ सकती है Z50 Mark II इन द मंथ ऑफ अगस्त सेप्टेम्बर। अगेन आई एम सेइंग कि Z50 को लेकर, निकॉन Z50 को लेकर अगर आप वेट कर सकते हो तो वेट करके देख लो। द बेस्ट ऑप्शन फॉर फोटोग्राफर्स अंडर और अप्रॉक्स 1 लाख बजट इस कैनन R10 कैमरा। R10 कैमरे की कंटिन्यूस ब्रश स्पीड से लेके बाकी सारी चीज़ एक बहुत ही अपने प्राइस रेंज में बहुत ही तगड़ा कैमरा है। अगेन देखो लेंसेज की लिमिटेशंस कैनन के साथ अभी हैं, तो यू कैन सर्च योर लेंसेज इन द RF माउंट। अगर अवेलेबल नहीं और आपकी जो यूसेज है सिर्फ फोटोग्राफी तक लिमिटेड है, यू आर नॉट जंपिंग इनटू वीडियो, देन यू कैन ऑल्सो लुक फॉर द DSLR लेंसेज विद द एडेप्टर। DSLR लेंसेज को मैं उतना यूजुअली रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि जब आप इसे वीडियो में लेके यूसेज करने जाओगे, ऑफकोर्स द न्यू RF लेंसेज मोस्ट ऑफ देम हैव एडवांस नैनो USM मोटर्स या उनके अंदर एडवांस स्टेपिंग ड्राइव मोटर्स लगी हुई है। अपनी जो पुरानी USM लेंसेज वो ऑप्टिमाइज नहीं है वीडियो के लिए उतनी अच्छी तरीके से। सो सम ऑफ द लेंसेज ह्यूज अमाउंट ऑफ फोकस ब्रीदिंग इश्यूज एंड ऑल दैट स्टफ, इसलिए मैं डायरेक्टली रिकमेंड नहीं करता हूँ दैट यू शुड यूज द EF लेंसेज इन योर कैम। सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आपकी यूसेज फोटोग्राफी तक लिमिटेड है एंड नॉट गेटिंग इन टू द स्पोर्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी फील्ड विद द DSLR लेंसेज, क्योंकि आप 23 FPS की ब्रस्ट मोड ले रहे हो, तो हो सकता है थोड़ी बहुत EF सिंक्रोनाइजेशन ओल्ड लेंसेज के साथ आप को आ जाए ये सारी इश्यूज। बट जहाँ तक आपकी जनरल पर्पस फोटोग्राफी की बात है, वहाँ पर आप उन लेंसेज को आराम से यूज़ कर सकते हो। सो अगर आपने एक बार एडेप्टर खरीद ली तो आपके पास एक ह्यूज रेंज ऑफ लेंसेज के ऑप्शन आ, बट अगेन द यूसेज इज लिमिटेड। ठीक है, वो जादुई पिटारा तो खुलता है आपको, आपके लिए लेंसेज का, बट उसकी यूसेज लिमिटेड है। आप उसको फोटोग्राफी तक ही यूज़ करो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सो द थिंग इज दैट या यू कैन यूज द लेंसेज अवेलेबल। सो R10 इज अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन अंडर 1 लाख बजट रेंज। Z50 की अपडेट की बातें चल रही है, A6400 कैमरा इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड ऑप्शन, अ वेदर सील्ड बॉडी, इवन Z50 की वेदर सील्ड बॉडी है, R10 की अनफॉर्चुनेटली नहीं है। सो आप A6400 कैमरा भी खरीद सकते हो। ऑन द गुड थिंग विद द सोनी माउंट की अभी सोनी के अंदर इतनी ज़्यादा लेंसेज अवेलेबल हैं कि आप सेलेक्ट करते करते थक जाओगे। और मेरी सबसे फेवरेट जो टैमरॉन की 17-70mm की f/2.8 लेंस है, वो भी अपने सोनी के E-माउंट के लिए अवेलेबल है। सो इफ यू आर APS-C यूजर, यू मस्ट ट्राई टू बाय द 70-70mm लेंस अपने E-माउंट के लिए, और E-माउंट का कैमरा अगर आपके पास है तो। तो ये सारी मेरी रिकमेंडेशन है फोटोग्राफर्स के लिए कि भैया आप A6400 कैमरा भी ले सकते हो। इट इज ऑल्सो वेरी गुड, ऑल दो थोड़ा पुराना हो चुका है, बट इट्स स्टिल अ वेरी गुड बाय, क्योंकि इतनी ज्यादा लेंसेस की ऑप्शन के साथ आता है। सो ओवरऑल फोटोग्राफर्स R10 ले सकते हैं, Z50 के लिए थोड़ी वेट कर सकते हैं। A6400 कैमरे की अपडेट की उतनी बातें अभी फिलहाल चल नहीं रही हैं। सो अगर आपका मूड करे तो आप ले सकते हो। अब हम बात करते हैं 1 लाख से 1 लाख 50 हज़ार की प्राइस रेंज पे। देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर हमारे पास दो बहुत तगड़े कैमरे, एक तो सोनी का A7 III, दूसरा कैनन का R8 कैमरा। देखो बात यह है कि अगर अगेन आपको लेंसेज के लिमिटेशंस के चक्कर में नहीं पड़ना है,
देन A7 III इज स्टिल अ वेरी वेरी गुड कैमरा। आप ये मत सोचो कि 2018 की अनाउंसमेंट है तो क्या 2024 में लेना फिजिबल रहेगा। बिल्कुल फिजिबल रहेगा, जिस लेवल की कोर स्पेसिफिकेशन, जिस लेवल की BSI CMOS सेंसर आपको कैमरा दे रहा है, यू आर गेटिंग सेंसर शिफ्ट, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम, प्रोफेशनल बॉडी, प्रोफेशनल ग्रिप एंड अ ह्यूज रेंज ऑफ लेंसेस अवेलेबल। स्पेसिफिकली टैमरॉन की 28-75 f/2.8 Z2 लेंस आप इसमें पेयर अप कर सकते हो। सो द थिंग इज, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड कैमरा, इंटायर पैकेज ही बहुत अच्छा है। और बजट में खासकर फुल फ्रेम कैमरेज की बात करें, A7 III इज अ जेम। नाउ R8 की बात ही करते हैं। R8 अपने स्पेक्स वाइज बहुत बहुत तगड़ा कैमरा है, स्कोर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बहुत दमदार कैमरा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, क्या आप मिस करोगे स्पेक्स के हिसाब से बात करें तो, आप मिस करोगे सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम एंड द सेकेंड थिंग दैट यू विल मिस कि यहाँ पर आपको सिर्फ सिंगल कार्ड स्लॉट मिलता है। सो यहाँ पर आप दो चीज़ें मिस करोगे अपने कैमरे के बॉडी में। और बाहर अगर हम बात करें कैमरे के बॉडी के बाहर आप जो मिस करने वाले हो लेंसेस, तो लेंसेस की लिमिटेशन है भैया, सबको जग जाहिर सी बात है। कैनन की लेंस माउंट लॉक है भैया, वो बोल रहे हैं कि खोलेंगे, कब खोलेंगे, अगर खोल भी देते हैं आज की डेट में, खोल लिए चलो मान ले, तो क्या इतनी सारी बाढ़ आ जाएगी लेंसेस की? नहीं, कम थर्ड पार्टी लेंस मेकर बेचारे वो बनाना शुरू करेंगे, पहुँचेगी एक साल बाद हमारे पास। तो क्या ऑप्शन है, DSLR लेंसेस क्या यूज़ कर सकते हैं अडेप्टर के साथ? क्या हम सिग्मा की 24-70 ही यूज कर ले? क्यों नहीं हम टैमरॉन की जो G2 लेंस है DSLR वाली, वही डायरेक्टली यूज कर सकते हैं? लॉट ऑफ क्वेश्चंस कम टू इन माय कमेंट सेक्शन। थिंग इज कि फोटोग्राफी के लिए आप यूज कर सकते हो, उनमें कोई बंदिश नहीं है, अडेप्टर के साथ वो काम करते हैं। एंड यू कैन सर्च फॉर सेवरल वीडियोज आउट देयर दोज हु आर टेस्टिंग इवन इन R5 में अपनी सिग्मा की 24-70 DSLR लेंस जो है बहुत अच्छी तरीके से R5 की 40 MP की सेंसर को रिजॉल्व कर देती है। तो भैया R8 क्या है? बट द थिंग इज कि फोटोग्राफी, सिर्फ फोटोग्राफी तक अपनी यूसेज लिमिटेड रखना, ये नहीं कि सर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मुझे मुझे फोकस ब्रीदिंग इश्यू, ये सारी चीज़ें आने लगी। फोटोग्राफर्स को मैं अभी कंसिडर कह रहा हूँ कि अगर आपकी यूसेज फोटोग्राफी तक लिमिटेड है तब आप हाँ EF की अपनी अडेप्टर के साथ, जो EF to RF अडेप्टर है उसके साथ DSLR लेंसेज यूज़ कर सकते हो, इवन तो सिग्मा और टैमरॉन्स की भी लेंसेज यूज़ कर सकते हो। बट हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब आप R8 खरीदो और आप अडेप्टर के साथ सिग्मा या टैमरॉन की कोई लेंसेज खरीदते हो, तो उसके बाद भैया अपने फर्मवेयर अपडेट्स पर थोड़े लगाम लगा देना। कैनन का भैया कोई ठिकाना नहीं, कब मूड किया और उनको भी कट कर दिया। सो द थिंग इज कि हाँ, आप कैनन की अपनी DSLR लेंसेज को बेझिझक होकर खरीद सकते हो, वो अच्छी तरीके से काम करेंगे और उन पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी। R8 परचेस करें या A7 III, देखो R8 अगर आपका मन कर रहा है कि मुझे कैनन का कैमरा ही लेना है भैया, ये को रिस्पेक्ट, तब आप R8 परचेस करो। और उसके साथ आप प्रिपेयर हो जाओ, आपको भैया थोड़ी तिकड़मबाजी लगानी है कि आपको जो लेंसेस अवेलेबल है या तो वो खरीद लो या फिर नहीं तो अडेप्टर के साथ आपको काम चलाना पड़ेगा। नाउ ऑफ कोर्स देयर आर ऑल अदर भी एंट्री लेवल कैमरा लाइक भैया Z5 अपने निकॉन का, तो आप इसकी अपडेट की वेट करो क्योंकि थोड़ा आउटडेटेड हो चुका है। RP भी है, A7 II है, ये मेरी रिकमेंडेशन से आप बाहर जा चुके हैं। अब हम बात करते हैं 1,50,000 के थोड़े ऊपर के प्राइस रेंज के, 2,00,000 के अप्रॉक्स में। तो इस प्राइस रेंज में हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन आता है अभी, Z6 II नहीं, Z6 II की तो अपडेट आने वाली है, वो है निकॉन का ZF। तो क्या ZF को परचेस करना चाहिए? अगर आप एक फोटोग्राफर हो देन विदाउट ए डाउट ZF एक बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन है। ZF की मैंने रिव्यू वीडियो भी डाली है, ऑटो फोकसिंग टेस्ट वीडियोस भी डाल रखी है हमारे चैनल पर, आप चेक कर सकते हो। अगेन, क्या हम Z6 Mark III के लिए वेट करें या ZF खरीद लें? ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप वेट कर सकते हो भैया तो आप वेट करो, ठीक है, विदाउट ए डाउट। बट अगर आपने अप्रैल के मंथ में आप मूड बना चुके हो कि मुझे एक कैमरा परचेस करना है, देन अगेन यू विल नेवर रिग्रेट योर परचेस, यू कैन बाय द ZF कैमरा। अदर ऑप्शंस, ये तो मैंने फोटोग्राफर की बात की कि अगर आप फोटोग्राफर हो तो आप ज़रूर ZF खरीदो। वीडियोग्राफर्स के लिए भी ZF एक काफ़ी अच्छा कैमरा है। अगेन, सिर्फ वीडियोग्राफी की बातें करें कि 2,00,000 के अंदर कौन सा एक अच्छा हम वीडियोग्राफिक कैमरा खरीदें जिससे हम कंटेंट बनाएं या वेडिंग में यूज़ करें या तो फिर हम सिर्फ इससे प्लेन वीडियोग्राफी पर्पस के लिए परचेस करें। सी, यू हैव ऑप्शंस लाइक द सोनी A7 II, ZV-E1 थोड़ा सा प्राइस रेंज के बाहर जाता है बट उसे भी कंसीडर कर सकते हैं। ऑप्शंस लाइक द FX30 एंड S5 II, S5X, S5 II X,
तो कंटेंट क्रिएटर हो तो अपनी जो चॉइसेस है वो A7II और ZV-E1 के बीच में रखो, ठीक है। और ZV-E1 कैमरा स्पेक्स वाइज बहुत ही तगड़ा कैमरा है। द ओनली इश्यू फेस्ड बाय द ZV-E1 यूजर्स इज़ ओवर हीटिंग। अगर आपकी यूसेज 20, 25, 30 मिनट के ऊपर जाने लगती तो ओवर हीटिंग की इश्यूज आपको फेस करनी पड़ेगी। आप एक्सटर्नल फैन उसमें लगा सकते हो या फिर आप कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में अपनी वीडियो शूट कर सकते हो। देन इन दैट केस ZV-E1 इज एन एक्सेलेंट कैमरा। A7C2 कैमरा में ऑफकोर्स आपको वो ऑप्शंस नहीं मिलती लाइक द 4K 60fps विदाउट क्रॉप दैट यू हैव इन ZV-E1 या फिर 4K 120fps विद स्लाइट क्रॉप जैसे ZV-E1 में अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें आपको A7C2 में नहीं मिलती। बट ये जो 33MP की सेंसर है ना, वो 12MP की सेंसर के कंपैरिजन में जब ये अपनी 4K की 24 और 30fps की वीडियोस बनाती है तो इसमें डिटेलिंग्स आपको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ये 33MP सेंसर से ओवर सैम्पल्ड होकर 4K की 24 और 30fps की वीडियोस बना रहा है A7C2। तो ये चीज़ें आपने समझनी है। अदर थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसकी जो हीट सिंक मैकेनिज्म है A7C2 की, सोनी ने थोड़ी सी बेटर बना दी है, ठीक है, डर के मारे शायद कि भैया 33MP सेंसर कोई ओवर सैम्पल कर रहा है, कहीं ओवर हीट हो ना हो जाए। तो ZV-E1 के कैमरे के मामले में जो अपनी A7C2 कैमरा है उसकी हीट सिंक मैकेनिज्म थोड़ी बेटर है। ये जो दोनों कैमरा है मैं कंटेंट क्रिएटर्स को रेकमेंड करता हूँ, और जिन्हें ये लगता है कि ओवर हीटिंग इश्यूज वो ज़्यादा फेस करेंगे वो A7C2 की तरफ जाएं। जिन्हें लगता है कि नहीं भैया हमें उतनी प्रॉब्लम ओवर हीटिंग की नहीं आने वाली, हम तो भैया कंट्रोल इन्वायरमेंट पर अपनी वीडियोज़ बनाते या फिर उतनी लंबी वीडियोज़ नहीं बनाते, देन कैन गो विद ZV-E1 कैमरा। अब हम डेडिकेटेड सिनेमाटोग्राफर्स वेडिंग में जो सिनेमाटोग्राफी करते हैं उनके लिए बात करते हैं। यू हैव ऑप्शन लाइक द FX30 S5 to S5 2X। ना इफ यू आर इंक्लाइन टुवर्ड्स पैनासोनिक कैमरा, ना कई लोगों का मूड रहता है कि नहीं सर मुझे पैनासोनिक का ही लेना, आप ले सकते हो कैमरे में कोई बुराई नहीं। बट अगर हम हर एक फैक्टर्स को कंसीडर करें ना, हर एक फैक्टर्स मींस अगर हम द रेंज ऑफ अवेलेबल लेंसेज की बातें करें, देन FX30 विंस विदाउट ए डाउट। FX30 को कब नहीं लेना है, जब आप अनकंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में 80-90% अपनी वर्क को, अपनी वीडियोस को शूट आपने करना है, यानी कि मोस्टली जब आप अनकंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट अवेलेबल लाइट के साथ काम कर रहे हो, देन यू कैन गो विद द S5 2X, ठीक है। जब मैक्सिमम आप अनकंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में काम करते हो तब एक फुल फ्रेम सेंसर बेस्ड कैमरा प्रेफर करो। एल माउंट की लेंसेज जो है अपने S5 2 S5 2X की उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है जितने कि ई माउंट यानी सोनी की अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि भैया एल माउंट की लेंसेज को लेके थोड़ा सा जागरूक होके कॉन्शियस होके सेलेक्ट करना है, और थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ई माउंट में इतनी रेंज ऑफ लेंसेज अब अवेलेबल हो चुकी है कि यहाँ पर आपको हर एक प्राइस रेंज में आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। सो मैंने एक डिटेल कंपैरिजन बना रखी FX30 वर्सेस S5 2 2X, वो आप देख लो अगर आपको कंफ्यूजन अभी भी है। अदरवाइज इफ यू वर्क इन कंट्रोल लाइट एनवायरनमेंट मोस्टली, ठीक है, देन FX30 इज अ ग्रेट ऑप्शन। अनकंट्रोल लाइट एनवायरनमेंट में काम करना अवेलेबल लाइट के साथ, लो लाइट के साथ, देन S5 2 S5 2X इज अ गुड ऑप्शन। नाउ अब हम 2 लाख की प्राइस रेंज को जंप करके क्रॉस करें, उसके पहले हम आपको बता दें कि देखो हमारे पास 2 APS-C मॉडल्स भी हैं जिन्हें हम चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते। नंबर एक है कैनन का R7 कैमरा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वाइल्ड लाइफ एंड स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, कैनन R7 इज विदाउट अ डाउट एन अमेजिंग कैमरा। वी हैव लेंसेज लाइक 100-400mm, ठीक है। तो अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के शौकीन हो, आपको लगता है कि हम एक अच्छी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी सिस्टम बेस्ड कैमरा खरीदें, R7 इज डेफिनेटली एन अमेजिंग ऑप्शन, ठीक है। जब तक आप मैकेनिकल शटर उसकी यूज़ कर रहे हो तब तक रोलिंग शटर इफेक्ट की कोई मेजर इश्यूज आपने नहीं आनी। रोलिंग शटर इफेक्ट की जो इश्यूज़ है वो तब दिखती जब आप मोस्टली आप इलेक्ट्रॉनिक शटर के साथ काम करो। अदर देन दैट जब आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हो इट्स मोर प्रेफर्ड टू वर्क विथ एन APS-C सेंसर बेस्ड कैमरा, क्योंकि जो आपकी फोकल लेंथ है वो ऑलरेडी 1.6x इन्हेंस हो जाएगी। सो या R7 इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर स्पोर्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। द सेकेंड कैमरा जिसे हम चाह के भी नहीं इग्नोर कर सकते इज द Fuji X-T5। द X-T5 कैमरा फीचर्स 5th generation X-Trans CMOS सेंसर और 40 megapixels, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इनॉर्मस रेजोल्यूशन के साथ ये कैमरा आया हुआ है। अगर आपको इंटरेस्ट है Fuji के कैमरोज में देन विदाउट ए डाउट X-T5 इज एन अमेजिंग ऑप्शन, बिलीव मी।
और अगेन देखो एक्सेस 20 का मैंने नाम नहीं लिया, मुझे कमेंट आ सकते हैं कि सर आपने एक्सेस 20 का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि बातें चल रही हैं फ्यूजी एक्सटी 50 कैमरे के आने की। अब ये जो फ्यूजी एक्सटी 50 कैमरा है मोस्ट प्रोबेबली अगस्त या सितंबर तक आ सकता है, तो इसलिए मैंने इंटेंशनली नहीं नाम लिया कि अगर आप एक्सेस 20 आज की डेट में ख़रीद लेते हो और कल की डेट में उसी के प्राइस रेंज के आसपास अगर एक्सटी 50 आता है देन यू विल टेल मी कि सर अभी मैंने ख़रीदा और अभी इसकी अपडेट आ गई। सो बेटर टू होल्ड योर हॉर्सेस और एक्सटी 50 की वेट करो, या आज की डेट में 2 लाख का बजट है और फ्यूजी के कैमरों में इंटरेस्ट है तो एक्सटी 5 भी ले सकते हो। देखो 2 लाख के ऊपर हमारे पास ऑप्शन है लाइक द कैनन R6 Mark II, A7 IV, बट अब इन दोनों को कम्पीट करने के लिए Z6 Mark III भी आने वाला है। इन दोनों के बीच में मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी, ठीक है, इतने कम समय में आपको डिटेल में हर एक डिफरेंसेस समझाना पॉसिबल नहीं। कैनन का R6 II कैमरा एक बहुत दमदार कैमरा है, बट द प्रॉब्लम इज की लिमिटेड लेंसेज, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम एसोसिएटेड है। A7 IV में ऐसी कोई भी इश्यूज नहीं है और अपना जो G2 लेंस है टैमरॉन का वो 33 MP सेंसर को बहुत अच्छी तरीके से रिजॉल्व कर देता है। तो अगर कोई ये लेंस वेंस के झंझट झुंझट में नहीं पड़ना है कि भैया नहीं मैं ये EF लेके ये अडेप्टर लेके DSLR की लेंसेज लूँ या RF माउंट की 24-70 तो इतनी कॉस्टली कि भैया उसके लिए कार खरीद लूँ बेटर है, ये सारी थॉट्स प्रोसेस चलनी, तो भैया आप A7 IV कैमरा ले लो और आराम से 28-75 mm की लेंस ले लो G2 की, मस्त आपका काम चलेगा। मैक्सिमम आप एक लेंस ले लिया 28-75 में 90% शूट आपके निकल जाएंगे, कोई आपने दिक्कत नहीं, ऑल इन वन लेंस। अदर देन दैट मान लो आप थोड़ा सा रिस्क उठा सकते हो और आपके उतना पैसे भी नहीं खर्च करने, तो आपने R6 Mark II ले लिया, एक अडेप्टर ले लिया, उसका सिग्मा की 24-70 f/2.8 लेंस ले ली भैया, फिर अपडेट नहीं करने फिर मैथ्स को, ठीक है, ऐसा अपने थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलना है, दिस इज द थिंग, ये मैनेजमेंट हो सकती है। अदर देन दैट मेरी रिकमेंडेशन रहेगी जितना ही हो सके या तो नेटिव उनकी RF माउंट में इन्वेस्ट करो भैया, या तो फिर उनकी DSLR लेंसेस लो, क्योंकि फिर लाइफ लॉन्ग गारंटी रहेगी कि फिर अपडेट्स आते हैं तो उन पर कोई ब्लॉक नहीं लगेगा, थिंग इज दैट, ठीक है। तो ये सारी बातें थी एंड ऑफकोर्स Z6 Mark III की इंतजार कर सकते हो तो जरूर करो, इट्स सेट टू बी अ मिनी Z8 कैमरा, सो लेट्स वेट फॉर दैट। सो दिस इज माय रिकमेंडेशन। उसके ऊपर के जो कैमरेज हैं भैया फ्लैगशिप कैमरेज हैं, आप कोई भी कैमरा पिक करते हो तो कोई आपने दिक्कत नहीं आनी आइदर इन वीडियो और फोटो। सो दिस वॉज अ शॉर्ट अपडेट टू यू, आई होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना नहीं भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज एंड रूमर।